के देखे होंगे, मेटल के देखे होंगे, प्लास्टिक के देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको 100 साल पुरानी कला से हाथों से बनाया हुए मिट्टी के ऐसे अद्भुत खिलौने दिखाने वाला हूँ, आपका दिमाग चकरा जाएगा। दोस्तों आज हम मौजूद हैं राजस्थान के शिल्प ग्राम मेले में, जहाँ पर एक से एक हमारे पुराने भारत के हस्तकलाकार मौजूद हैं। हमारे साथ है भैया। भैया जी, सबसे पहले आपका थोड़ा परिचय हमें दीजिए। मेरा नाम घनश्याम प्रजापत है जी। अलवर जिले से रहने वाला हूँ। अलवर जिले से आप आए हुए हैं? हाँ जी। जी, यहाँ पर कई तरीके के बर्तन जो आज के टाइम में मेटल के बनते हैं, ये भी पूरे मिट्टी के ही हैं? पूरा मिट्टी का है। अच्छा, नेचुरल कलर है उसका। अच्छा, ये खिलौने आपने यहाँ पर लिखा हुआ है मैजिक चिड़िया, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ये हमें बताइए। ये वाला है, इसका नाम मैजिक चिड़िया इसलिए रखते हैं जी, नॉर्मल ऐसा बजता है इसमें। एक बार और बजाइए। नॉर्मल? अच्छा, इस तरीके से बजता है ये? नॉर्मल बजेगा, इसमें पानी भरोगे तो चिड़िया वाले हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये तो बड़ा कमाल है। अच्छा सर, ये बनाया कैसे गया है, क्या इसकी खासियत है? जो ये पूरा हाथ से बनाया जाता है, और अगर टूट भी जाएगा तो कोई नुकसान वाली, मतलब कोई प्रदूषण वगैरह नहीं फैलेगा, कुछ नहीं होने वाला है ना। जी, शानदार चीज है और रिजनेबल प्राइस होता है यहाँ पर जी, पूरा हैंडमेड चीज है। उसके अलावा भैया जी, यहाँ पर ये जो बर्तन है ये भी मिट्टी के ही है? हाँ जी, ये कुकिंग के लिए है, ये ओनली गैस पे चलता है। एक इसमें हमने कढ़ाई बनाई है, इसमें तीन मिट्टियों को मिक्स करते हैं, रेड, येलो, ब्लैक। अच्छा, इसकी आवाज भी बिल्कुल मेटल जैसी? पूरी मेटल जैसी होगी, क्योंकि इसको 1200 टेम्परेचर पे फायर किया जाता है। प्लस जो ये कलर देख रहे हो, ये भी नेचुरल कलर है, कोई पेंटेड नहीं होता है। पेंटेड भी नहीं है? नहीं, नेचुरली कलर है ये जो देख रहे हो। अच्छा। ये ओनली अलवर जिले का फेमस टेराकोटा है ये वाला, किचन के बारे में जी, आपके उदयपुर में कहीं पर भी नहीं मिलेगी ये चीज जो देख रहे हो। इसके अंदर पानी वाली सब्जियां वगैरह डाल के भी? सब्जी बनाओ, पूड़ी बनाओ, तलो, फ्राई करो, एज यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे, कुछ भी आप फ्राई तलो सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, है ना। इसमें दही के लिए भी मिलेगा जी। उसके अलावा ये कुकर थोड़ा हमें बताइए। हाँ, ये हांडी है, इसमें दाल, राइस, वेज, नॉन वेज कुछ भी बनाओ। अच्छा, ये चूल्हे पे सभी पे चलेगा। ये भी मिट्टी की? ये भी मिट्टी की, कोई पेंट नहीं, कोई पेंट नहीं, ये भी नेचुरल कलर। तो इसका ये ब्लैक कलर कैसे आया? इसको बंद भट्टी में पकाया जाता है, जैसे कि ओपन में पकाएंगे तो धुआं बाहर जाएगा तो रेड हो जाता है, अगर उसी को धुएं को रोकने के लिए हमें पैकिंग करनी पड़ती है तो वो ब्लैक हो जाता है, यानी कि धुआं अंदर रमेगा तो बर्तन में वो काला हो जाएगा जी। और मतलब कुछ इस प्रकार की चीजें मेटल चलने से पहले चला करती थी, जिससे हमारे पूर्वज भी बीमारी वगैरह से बड़े दूर होते थे। उसके अलावा भैया जी, ये तो पूरी मेटल की है? नहीं, पूरा टेराकोटा मिट्टी की बोतल है। अच्छा, ये भी मिट्टी की है? पूरी मिट्टी की है। ये तो कमाल है दोस्तों, एकदम ठंडा पानी रहेगा। पहले मटके चलते थे, अभी आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो, ट्रैवलिंग में, कैरी बैग में, लीकेज भी नहीं करेगा, क्योंकि पूरा मिट्टी का है, खाली ये केप। हाँ। हमने प्लास्टिक का लगाया ताकि अगर गिर भी जाएगा तो पानी लीक नहीं, लीक नहीं हो। अच्छा, गिरने से भी टूटता नहीं है? हल्का फुल्का गिरेगा तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा ऊपर से गिरेगा तो देखो चांसेस होते हैं जी। अच्छा भैया जी, आपने यहाँ पर पीछे ये शो पीस रखे हैं? हाँ, ये लकड़ी के हैं? नहीं, सारा टेराकोटा का ही है, ये अपना पूरा हाथ का काम है, ये भी अपना हैंडमेड चीज मिलेगा। सभी में अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं, अलग अलग टाइम से फायर किया जाता है, अलग अलग कलर ही होते हैं उस पर, है ना। सेम भी करना चाहो सेम हो जाएंगे, अलग डिजाइन करना चाहो अलग हो जाएगा। टेराकोटा मतलब मिट्टी और ये टेराकोटा, यानी कि तीन मिट्टियों को मिक्स करके फिर बनाते हैं, उसको टेराकोटा बोलते हैं। वो भी कलरफुल नहीं है? ये जो देख रहे हो इस पे ऑयल पेंटिंग किया हुआ है, ये नेचुरल कलर नहीं है। जी जी, नेचुरल कलर है? नहीं, ये नेचुरल नहीं है, ये ऑयल पेंटिंग किया हुआ है। ऑयल पेंटिंग किया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़े कमाल की चीजें हुआ करती थी, जो आज के टाइम में गवर्नमेंट द्वारा मेला लगाकर ये आपको खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और आपको दिखाई जा रही है। और एक टाइम ऐसा भी हो सकता है जब ये सारी चीजें म्यूजियम में देखने को मिले।